मैं अतुल तिवारी, सीजीपीएसई ईज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम प्री के 2012 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज इसी का दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ। हमने पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम इसके आगे के 15 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से हम डेली 15-15 क्वेश्चन करके हमारे अब तक के जितने भी सीजीपीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे, जीएस का जितना भी पोर्शन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो चलिए आज का फिर ये कंटेंट शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या है क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। आज पहला जो क्वेश्चन है वो जोड़ी मिलाने के लिए दो सूचियां दी हुई है आपको, सूची वन और सूची टू। इन दोनों सूचियों को आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ वंश राजवंश दिए हुए हैं और यहाँ पर राजाओं के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा राजा किस राजवंश से संबंधित है। तो देखते हैं, राजर्षि तुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश जो है इससे संबंधित राजा कौन है। तो यहाँ पर महाशिव, गुप्त, बालार्जुन का नाम है, भीमसेन का नाम है, भवदत्त, भवदत्त वर्मन का नाम और प्रसन्न मात्र का है। तो राजर्षि कुल तुल्य कुल जो वंश है ये भीमसेन से संबंधित है, मतलब पहले का जो राजर्षि तुल है इसका आंसर हो जाएगा दो। सर्वपुरी राजा प्रसन्न मात्र है, मतलब दूसरे में आ जाएगा चार। पांडु वंश के शासक थे महाशिव, गुप्त, बालार्जुन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक। और नल वंश के शासक हैं भवदत्त वर्मन, तो इस प्रकार से आ जाएगा तीन। तो 2 4 1 3, ये देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ पर अ का 2 4 1 3, ये आंसर बी, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, यदि आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको ये नाम याद होंगे, पता होंगे, तो इस प्रकार से आप मिलाकर देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया है। ये जो शासक है नीचे दिए हुए ये रतनपुर राज्य से शासन किए हुए हैं। जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, ये प्रताप मल्ल है और फिर रत्नदेव द्वितीय हैं। इन शासकों का क्रम निर्धारित करना है। तो हम देखते हैं कि कौन से शासक कब आए थे, ये निर्धारित करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले देखें तो जाजल देव प्रथम ही आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसके बाद शासन किया है रत्नदेव ने, रत्नदेव द्वितीय ने, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तीसरे स्थान पे पृथ्वीदेव का नाम आएगा क्योंकि ये शासन किए, तो दूसरा ऑप्शन। और अंतिम रूप से आएगा तीन, तो ये देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 1 4 2 3, हाँ ये ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार से डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न दो के लिए, इनका सही क्रम इस प्रकार से ही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब सही है, सही तरीके से सुमेल किया गया है, उनका मिलन सही तरीके से हुआ है। देख लेते हैं, वीर नारायण सी, वीर नारायण सी के सामने दिया हुआ है सिडवेल की हत्या, नहीं, सिडवेल की हत्या की थी हनुमान सिंह ने, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, जी हाँ ये सही होगा, ये सुमेलित है क्योंकि कंडेल नहर सत्याग्रह का जो नेतृत्व है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा ही किया गया था। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावाले, नहीं ये नारायण राव मेघावाले नहीं थे, ये ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव राखे द्वारा नहीं किया गया था बल्कि माधव राव सप्रे के द्वारा किया गया था। अंतिम है सिहावा जंगल सत्याग्रह, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह ने सिडवेल की हत्या की थी मैंने बताया, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर बी है, बी हमें मिल चुका है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आंसर होगा इसका बी, कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था। तो याद रखिएगा जो गांधी जी है वो 2 बार आए हुए हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, जिसमें से पहले बार उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और वो यहाँ आए थे 20 दिसंबर 1920 को। तो 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था और इसी समय उन्होंने अछूतोद्धार के लिए जब वो काम कर रहे थे तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा से मिले और उन्होंने धमतरी की भी यात्रा इसी समय की थी और उसी समय उन्होंने जो पंडित सुंदरलाल शर्मा उन्हें अपना गुरु माना था, ठीक है,
और आगे यदि बात करें जो क्वेश्चन 5 है ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण का प्रारंभ कहाँ से किया। देखिए जो टैबलेट वितरण का प्रारंभ पूछा गया था ये 2012 के आसपास ही शुरू हुआ था, तो ये उसी समय का करेंट का प्रश्न होगा, ठीक है, तो इसलिए इसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जो आरंभ किया गया था ये राजनांदगांव से किया गया था, राजनांदगांव से टैबलेट का वितरण शुरू किया गया था, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, छत्तीसगढ़ सरकार अहिंसा के लिए, ठीक है, अहिंसा और गौ हत्या गौ रक्षा, ठीक है, अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित की है। तो याद रखिएगा जो अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है यति यतन लाल सम्मान, ये हर वर्ष दिया जाता है आपको पता होगा, ठीक है, तो यति यतन लाल जो सम्मान है वो अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, तपेदिक रोग का कारण क्या है, तो तपेदिक रोग होता है जीवाणुओं के कारण होता है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की घनता से पैदा होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा बी। वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा PPM में लगभग कितनी है, तो याद रखिएगा ये लगभग 400 के आसपास है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। PPM ये एक मापने का पैमाना है जिसे CO2 की सघनता मापी जा सकती है, और ये अभी 400 है, तो ये याद रखिएगा। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, क्लाइमेट शब्द जो लिया गया है ये शब्द किस भाषा से लिया गया है पूछा है, तो जो क्लाइमेट शब्द लिया गया है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, याद रखेंगे ग्रीक भाषा से क्लाइमेट शब्द आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरण कौन सी है, यहाँ पर कुछ यूवी किरणों के नाम दिए गए, इनमें से सबसे हानिकारक कौन सी, यदि ये पूछा जाए तो UVC, UVC जो होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, तो इसका आंसर होगा बी, जहाँ पर UVC जो किरण है वो सबसे हानिकारक होती है, UVA, UVC, UVB, UVD और UVF में UVC जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसको है, अधिकृत कौन है, तो याद रखिएगा जब भी मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित जो भी सवाल होंगे या जो भी कार्य करने होंगे चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य में ये विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, और जो केंद्र है वहां पर ये संसद के द्वारा किया जाता है, तो अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की बात की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, ये उसके लिए अधिकृत होगी कि वो वेतन भत्ते संबंधित निर्णय ले सकती है, ठीक है। विभाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी मंत्री के अधीन नहीं है, देखिए क्वेश्चन 2012 में आया है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जाएं, तो जो ये स्कूल शिक्षा है यह तो है, यह जो स्कूली शिक्षा है ये आपके किसी मंत्री को दिया गया है, केदारनाथ कश्यप अभी वर्तमान में है इसके मंत्री, ठीक है, तो यह तो नहीं होगा। गृह मंत्री यह भी दिया जा चुका है, ठीक है, गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी हैं, तो यह भी आंसर नहीं होगा। किसी के अधीन नहीं है पूछा है तो हमें नहीं है बताना, ये दोनों तो दिए जा चुके हैं। सिंचाई अभी किसी के अधीन नहीं है, ठीक है, किसी मंत्री के अधीन नहीं है। लोक निर्माण विभाग भी दिया जा चुका है, लोक निर्माण विभाग वर्तमान में राजेश मूढ़त जी के अधीन है, ठीक है, और यहीं पर जो उच्च शिक्षा है ये उच्च शिक्षा दिया गया है अभी वर्तमान में प्रेम प्रकाश पांडे जी को, ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिंचाई है ये हमारा आंसर हो जाएगा जो अभी किसी मंत्री के अधीन नहीं है, ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं 14वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 1 नवंबर को बना, और इसकी जो प्रथम बैठक थी विधानसभा की वो 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 राजकुमार कॉलेज में हुई थी, वहीं पर पहली बैठक आयोजित की गई थी जो कि 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चली थी, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वें क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है जो जिला तो है लेकिन मुख्यालय वहां पर उसका नहीं है, तो बलौदाबाजार यहाँ पर जिला मुख्यालय है, जसपुर में भी जिला मुख्यालय है, कांकेर में भी जिला मुख्यालय है, बालोद में भी जिला मुख्यालय है,
बस्तर में जिला मुख्यालय नहीं है, बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ई, बस्तर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये 15 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये आपके बहुत काम आएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं CGPSC का, तो आपको वो visualcard.com पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। जो हमारा YouTube चैनल है CGPSC e-ज्ञान, यहाँ पर आप विजिट करके भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, वहां पर भी वीडियो डले हुए हैं। और यदि आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगा visualcard.com पर। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास जो वीडियो है वो कंटिन्यू आते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।